हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज निशी विद अनदर वीडियो एंड अनदर हॉल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं हूँ निशी और मैं बनाती हूँ बजट वीडियोस जो अंडर 500 होते हैं या फिर अंडर 1000 होते हैं और कभी कभी 1000 के ऊपर भी हो जाते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो है मिंत्रा हॉल, एक छोटा सा एक हॉल है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स अबाउट फुटवेयर्स हैं जो मैंने परचेज़ किया है। अभी समर है और जो कलर्स हैं इट्स लाइक वेरी समर वाले कलर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो फर्स्ट फुटवेयर मैंने लिया है, मैं एक वेजेस ढूंढ रही थी और इट्स वेरी ब्राइट जो है कलर इसका, इट्स रेड इन कलर। सो दिस इज़ अ वेजेस विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा से मैंने लिया है ये। और दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मास्टन हार्बर। मास्टन हार्बर के जो फुटवेयर्स है वो काफ़ी टिकते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो इसका हील साइज़ है इट्स अराउंड 3 inches, बहुत ज़्यादा हील्स मुझे नहीं चाहिए था। तो दिस इज़ अ कलर बहुत ही वाइब्रेंट है और इट्स वेरी गुड फॉर समर और आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। और जो कंफर्ट लेवल है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और जैसे आप देख सकते हैं पीछे ये ऐसा दिखेगा, आगे से ये ऐसा है। माई साइज़ इज़ 5 विच इज़ 38 लिया है मैंने। और इसमें शायद और भी कलर्स अवेलेबल थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब मैंने इसको लिया था तो द प्राइस वाज अंडर 500, अभी भी वही प्राइस है, आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी 400 समथिंग में ही मुझे मिल गया था डिस्काउंट प्राइस में। और अभी ये जो साइज़ मैंने लिया है 39 लिया है, हाँ, तो एक्चुअली 38 लिया था और वो थोड़ा टाइट हो गया था मुझे, तो मैंने एक साइज बड़ा लिया है। तो अगर आप ये वेजेस को लेने का सोचते हैं तो आप प्लीज़ एक साइज़ बड़ा लीजिए, जो सेम साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये था एक वेजेस जो मैंने लिया था मास्टन हार्बर ब्रांड से। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो सेकेंड वाला सैंडल है, अगेन इट्स अ सैंडल जो मैंने लिया है, और वो भी जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही इन है। और इस कलर का आई थिंक बहुत लोग ड्रेसेस या फिर कुछ काफ़ी ट्रेंडी और समर के हिसाब से, सो इस क्यूट लैवेंडर कलर, सो लैवेंडर कलर का ये प्यारा सा सैंडल लिया है। मुझे हील्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ, सो इसका जो ब्लॉक हील्स लिया है, हील्स साइज़ इज़ अगेन इट्स अराउंड 3 inches और 2.5। और दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आइकॉनिक्स, साइज़ इज़ 38 लिया है मैंने इसमें, और ये मुझे सही फिट आ रहा है। तो अगेन दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा और आइकॉनिक ब्रांड से है। और इसका जो सैंडल है दिस इज़ सो स्पंजी, बहुत ही कंफर्टेबल है ये पहनने पे, और ये है काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए पहनने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और जैसे कि थोड़ा सा स्पंज सा लगता है और पेन नहीं होगा आपको पहनने के बाद। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड द कलर इज़ ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कलर। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड है ना ये बिल्कुल समरिश सा दोनों कलर, द वेजेस और ये पर्पल वाला सैंडल। सो प्राइस ऑफ द सैंडल इज़ अराउंड, जो उसमें मेंशन था वो इट इज़ अंडर 1000 rupees का है, इट वॉज़ अराउंड 650 or 700 में मैंशन कर दूंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस, थोड़ी सी शाइन है इसमें, ये आप देख सकते हैं। और या दिस वॉज द सैंडल सेकेंड प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा। सो ये दो जो हो गए जो मैंने सैंडल लिया था मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और अगर आपको अच्छा लगता। सो अब बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट का जो मैंने ख़रीदा है मिंत्रा से, जो इट्स नॉट इन फुटवेयर्स, वो फुटवेयर नहीं है, लेकिन मैंने एक हैंड बैग लिया है। सो दिस कम्स इन दिस पाउच, ऐसे पाउच में मिला है मुझे ये हैंड बैग, रेड कलर का क्यूट सा बैग है ये। सो सी है ना कितना स्मार्ट सा बैग। मेरे पास कुछ रेड सा था नहीं और मैं एक छोटा सा जो बैग ढूंढ रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हल्का क्विल्टेड में है ये, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी स्मार्ट। इसके साथ अंदर जो शोल्डर स्ट्रैप है वो भी मिला है, अगर आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका फ्रंट है ये ऐसे ओपन हो जाएगा, और जो काफ़ी ट्रेंडी है ये, और अंदर एक जिप मिलता है आपको और एक पॉकेट मिलता है आपको यहाँ पे। और इसका जो शोल्डर स्ट्रैप है, सो दिस इज़ अ स्ट्रैप, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट, बट आई थिंक
मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत ही ट्रेंडी लग रहा है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इनसाइड. काफ़ी है, लाइक आप इसमें अपना मोबाइल, अपना कुछ एक्स्ट्रा लाइक कैश, वॉलेट और भी चीज़ें रख सकते हैं. इट्स नॉट दैट स्मॉल. और जो इसका जो फ्रंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसका बटन था. पीछे कोई जिप नहीं है, बस एक ही जिप क्लोजर है. और चाहे तो इस हैंड हेल्ड बैग में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर यू कैन यूज़ दिस वन. सो दिस वॉज द बैग व्हिच आई बॉट. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड बैग्सी मेलॉन. बैग्सी मेलॉन के ऐसे ट्रेंडी बैग्स आते हैं, हैंड बैग्स आते हैं. और the price of this bag, it's showing here, जो यहाँ पे mention है like 3000 around, but ये 3000 का नहीं है, मुझे discount में मिला और discount में काफ़ी अच्छे price से मिला. It was around like 1200. मैं price description box में share कर दूँगी. अगर आपको ये cute सा bag अच्छा लगता है तो आप भी खरीद सकते हैं. तो ये था आज का video, budget haul में था. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे और भी बजट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और किस प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि मैं मोस्टली अंडर 500 और 1000 के ही वीडियोस बनाती हूँ. और तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स के आज के आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. और ये जो बैग है इसके शायद और भी कलर्स हैं या फिर आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. तीनों प्रोडक्ट myntra.com से हैं. सो दिस वॉज अ वीडियो ऑफ टुडे. होप टू लाइक दिस वीडियो एंड फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.